थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। अदर कैरेक्टर में लाइक ह्यूमन फॉर्म में भी दिखूंगी, सिर्फ ऐसे नहीं कि देवी के रूप में ही दिखूंगी, ह्यूमन फॉर्म में भी दिखूंगी। एंड ह्यूमन फॉर्म में आके जो यहाँ पे लोगों की जो अर्थ में प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्व करूंगी। हमारे तो यहाँ लिखा हुआ है, गुदा हुआ है, नेगेटिव। हाँ, एक्चुअली नेगेटिव वाला ज़्यादा ऑफर हुआ, बिकॉज जो मेरा शो फेमस हुआ था, जिस किरदार नेगेटिव, पहले नेगेटिव से मैं फेमस हुई थी पायल, क्योंकि साथ भी कई बार हुई थी, लोगों को लगा शायद मैं और कुछ कर नहीं सकती हूँ। इस चक्कर में मैंने 7 साल काम नहीं किया था, बिकॉज मुझे अपने अंदर ही एक अजीब सा फील होने लगा था कि मतलब सच में मैं एक्टर हूँ भी या नहीं, क्या मेरे अंदर मादा है भी या नहीं, क्या लोगों को नहीं लगता है कि मैं कुछ और प्ले कर सकती हूँ। इसलिए मैंने 7 साल काम नहीं किया था कि मुझे या तो नेगेटिव सिर्फ नहीं करना है, मुझे सब मिश्रित दीजिए, एक कंप्लीट कैरेक्टर दीजिए, तो करने में मज़ा आता है, वरना इंसान बोर हो जाता है ना। अप्लाई करने के लिए क्या है, या तो फिर नेगेटिव कैरेक्टर में आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जगह दीजिए, जैसे गुलशन ग्रोवर जी अलग अलग किरदारों में अलग अलग चीज़ें लेकर आते हैं, तो तभी तो वो नायाब रहता है ना, हर किरदार एक अलग दिखता है। अब सेम चीज़ वही ढर्रा आप अपनाने को बोल रहे हो, कुछ नयापन नहीं लाना है उसमें, वही वाला करते रहिए, इंसान कब तक करेगा, बोर हो जाएगा ना। आर्टिस्ट को तो फॉडर मिलना चाहिए ना, अपनी आत्मा को खिलाने के लिए, तृप्त करने के लिए, करने के लिए किरदार में कुछ होना चाहिए ऐसा जो हम अपने आप को अप्लाई कर सकें, ताकि अच्छा लगे, हमें लगे कि हमने कुछ किया, यू नो। हाँ, सो फिर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिले, और अब ये मिला है छठी मैया की बिटिया, सन नियो पर शाम 7 बजे आएगा, कल यानी कि संडे से सन के दिन सन नियो आ रहा है, बाय द वे। आशा है आप सबको पसंद आएगा। आप दोनों बताइए, नया शो और नया चैनल, तो क्या थोड़ी सी नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है कि भाई चलो नया शो है, बहुत एक्साइटेड, बहुत खुशी, खुशी तो ऑफ कोर्स होगी, थोड़ी नर्वसनेस है, नर्व-रैकिंग है थोड़ा? वो हर एक इंसान को रहता है एक्चुअली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है एज एन एक्टर कि हम मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ों का फुलफिलमेंट हो ऑडियंस की तरफ से। लेकिन डेफिनेटली मैं पूरा श्योर हूँ और कॉन्फिडेंस मतलब बहुत ज़्यादा है मुझमें कि ये शो हिट है, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं। जी मैं भी नर्वस, एक्साइटमेंट, जो मिक्स फीलिंग्स होती है ना, लाइक कि एक्साइटेड भी हूँ कि यू नो फर्स्ट टाइम एक शो कर रही हूँ छठी मैया की बिटिया, वो भी भगवान पे एज अ डिवोटी, तो एक्साइटमेंट तो ऑफकोर्स होगी, बस नर्वसनेस भी है कि मतलब कैसा होगा, हमने मेहनत तो किया है बट इसका रिजल्ट क्या होगा। वो बहुत जाबाज बच्ची है ये, बाय द वे बहुत जाबाज बच्ची है, कुछ भी कोई भी स्टंट्स भी वो करने को हमेशा तैयार रहती है और किए भी है। ऑफ कोर्स, मतलब हर चीज होगा, ये सब सारी चीजें अलग हो रही है, मतलब इसमें माइको भी देखने मिलेगा, जी जी जी, या सब कुछ सम्मिलित है यहाँ पे, एक कंप्लीट पैकेज। या इसको बोलते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे, यू आर नॉट फ्रॉम बेसिकली यूपी और बिहार, आप छठी मैया के बारे में कभी सुने होंगे पर्सनली, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, उनका पूजा जिस नहीं एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि हम लोग कॉलोनी में रहे हैं, तो ONGC कॉलोनी में क्या होता है ना कि हर स्टेट से लोग होते हैं, सो हमारे इनफैक्ट जो नेबर थे वही बिहार से थे, तो आंटी बिहारी थी, सो आई नो, मतलब जब भी वो ऑरेंज सिंदूर लगाती थी यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाते थे, एंड इसलिए मुझे ठेकुआ के बारे में पता है कि मुझे ठेकुआ बहुत 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 पसंद है, इवन अभी भी असम में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी हमारे नेबर हैं, वो भी बिहारी है, तो यू नो जितने भी डिश होते हैं, लिट्टी चौका मैंने उनसे सीखा था, विच आई मी, सो आई नो कि कैसा होता है, जैसे सुबह वो उठते हैं एंड गन्ने के पेड़ का भी पूजा होता है, राइट, सो आई नो दैट बेसिक थिंग्स, क्योंकि सुबह आंटी उठती थी सनराइज से पहले ही, एंड देन उपवास करके आई गेस नेक्स्ट डे इवनिंग शायद उपवास तोड़ते हैं, वैसा कुछ था, सो यस,
दिस इज़ व्हाट आई नो. एंड इतने घर पे लोग ठेकुआ बनाते थे, लिटरली हमारे आसपास सबके घर पे इतने भर भर के ठेकुआ आते थे. दैट्स ऑल. इंडिया की ऑडियंस काफी इमोशनल है जी. कई कभी रिलीज होती है अगर कोई भी सीरियल, तो पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट दोनों करते हैं. नेगेटिव कमेंट में जहाँ तक ये आता है माइक्रो, जब सीरीज या सीरियल आता है तो उसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए लोग भगवान की चीज़ें या माइक्रो ला रहे हैं कि टीआरपी और बढ़े, तो इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? देखिए, भगवान तो हमारे भीतर है और कर्म प्रधान, कर्म को मैं प्रधान मानती हूँ कि जो अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा रहे मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा. लेकिन उन अच्छे कर्मों को करवाने के लिए भी भगवान की आवश्यकता पड़ती है. काहे कि भय बिनु होए ना प्रीत, अनाकी हो जाए ना. मतलब सोसाइटी इसलिए बनाई ताकि लोग एक दूसरे को नोच के ना खाएं, ख़त्म ना कर दें, तो भगवान की तो सख्त आवश्यकता होती है. और भगवान के थ्रू जीवन जीने का सही तरीका बताने से और अच्छा बेहतर तरीका आप बताइए हमको. और छठी मैया जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अगर पूरे देश को, विश्व को उनसे अवगत कराया जाए तो उसमें इमोशनल होने की कोई बात नहीं है. ये तो हमारे देश की स्पेशलिटी है कि हमारे पास इतने देवी देवता हैं और हर देवी के साथ कोई जानवर, कोई चिड़िया, कोई पेड़ संलग्न है. क्यों? क्योंकि ये भारतीय जो देश की पद्धति है वो सर्वधर्म क्या है, हाँ सर्वधर्म वड़ावा नहीं, सर्वगुण संपन्न मैं नहीं हूँ. नहीं, कहने का तात्पर्य सब कहने का तात्पर्य ये है कि हर देवी देवता के साथ कोई ना कोई जानवर, कोई पेड़ कुछ होता है ताकि हमारे जो नेचर है, एनिमल्स, पेड़, इंसान, जिसे इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है. सांस हमें मिलती है पेड़ों से और पेड़ तुलसी भगवान है हमारे लिए, जो मोस्टली हर भारतीय घर में पाई जाती है. तो उसमें भी तो भगवान ही है, आप में भी भगवान है. हम झुक के आपको प्रणाम करते हैं. तो अगर हम अपने सीरियल में देवी दिखाते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और कुछ सर्वधर्म सम है वो. आई थिंक बींग अ ह्यूमन, अभी एकदम देवी तो नहीं बन सकती, सो डेफिनेटली इट्स अ कैरेक्टर फॉर मी कि मुझे जो दायित्व दिया गया है एज एन आर्टिस्ट, मैं उसे निभाने की कोशिश करती हूँ. बट स्पिरिचुअलिटी की बात जहाँ पे आ जाती है, तो मैं एनीवे मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उस मतलब माँ के किरदार को निभाने में. अभी जैसे हम जिस तरीके से भगवान से आएंगे, हर एक इंसान भगवान से अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो मेरा एक अलग वे होगा, एक अलग तरीका होगा उनसे कनेक्ट करने का. सो मैं बस वही फील करती हूँ जब भी मैं कैरेक्टर निभाती हूँ. एंड आई थिंक वही चीज़ मुझे हेल्प करती है कि जो भी मैं दर्शाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ वो मैं उस हिसाब से कर पाती हूँ. और देखिए ना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ रखती है इसलिए इतनी सौम्य, इतनी उज्जवल लग रही हैं कि छठी मैया का किरदार प्ले कर रही हैं, है ना? सिर्फ वृंदा की नहीं यहाँ, मैं मेरा भी ऐसा ही था. क्योंकि सास भी कभी बहू थी वॉज द फर्स्ट शो जहाँ पे मैंने तुलसी को देखे. शायद मैंने मैनिफेस्ट किया था कि शायद मैं भी टीवी में काम कर सकता. सो आई नो पायल सिंस देन, मतलब पायल के किरदार को मैं अभी भी, मैं मुझे याद है एक्चुअली. सो दिस इज समथिंग आई इवन
कि हाँ शायद वो मैनिफेस्टेशन में था मेरे, इसलिए साथिया में पहले मिहिर आ गए एंड देन अभी इनके साथ. सो यार, सो आई एम श्योर इट्स नॉट ओनली अबाउट हर, आई एम श्योर हम सबका वैसा ही एक होगा मेमोरी. जी मुझे, मैं तो बचपन से ही देखती थी इन दोनों को, तो आई अडोर देम अ लॉट बिकॉज इनको मैंने शक्ति में जो देखा था ना, इनका जो कैरेक्टर था दैट वाज लाइक, मैं देखती थी कैसे करते होंगे. तो मम्मी और नानी देखते थे वो लोग, मैं इतना सीरियल में पहले इंटू नहीं थी, मैं देखती नहीं थी इतना, क्या है ऐसा लगता था मुझे पहले. सो मैं जब देखती थी इनको साथ निभाना साथिया में देखा था मैंने. सो या इनको भी देखा था, उनको भी देखा था टीवी में. इनको जब मैंने टीवी में देखा था तो ये ना ऐसे स्ट्रॉन्ग टाइप का कैरेक्टर करती थी ज़्यादा, तो मैं कैसे करते होंगे, रियल में भी ऐसे होंगे या ऐसा कैरेक्टर प्ले करते होंगे, बताओ बताओ. मैं ऐसे सोचती थी. फिर इनको भी मैंने देखा था तो ये गोपी बहू के कैरेक्टर जब ये कर रही थी तो लाइक रोना धोना ये करना वो करना, मैं इतना क्यों है. बट बाद में अभी जब मैं कर रही हूँ फिर मुझे पता चला कि ओ ऐसा होता है, जब ग्लिसरीन लगा के भर भर के रोना होता है इनको छठी मैया की बिटिया में. फिर मुझे याद आता है कि अच्छा मैं क्यों सोचती थी ऐसा. अभी मुझे लगता है कि क्यों मैं सोचती थी ऐसा, मुझे नहीं सोचना चाहिए. सो या कि मुझे भी ऐसा था अंदर कि मैं भी ऐसी, तुमने मैनिफेस्ट कर लिया. हाँ मैनिफेस्ट किया था एक्चुअली कि मैं भी करूँगी ऐसा रोना धोना वाला, फुल मज़ा आएगा. फिर वो जो फाइट वाइट भी होता था ना कभी भी, लड़कियाँ जब वुमन यू नो ऐसे आके किसी के सामने ऐसे फाइट वाइट करते थे, मुझे लगता था कि मैं भी कभी ऐसे करूँगी, मुझे भी ऐसा ही करना है और मैं ऐसी इसी फील्ड में जाके आगे बढ़ूंगी. सो शायद छठी मैया की कृपा ही होगी, जो फर्स्ट शो डेब्यू शो वो भी मुझे लीड में मिला है. आई एम लाइक वेरी हैप्पी. और ये लोग तो मुझे सिखाते, क्योंकि मैं सेट पे भी मैं बच्ची जैसी हूँ, मतलब कि सबकी यू नो बहन बेटी जैसी वो करती हूँ, तो सारे लोग मुझे बहुत सिखाते हैं और मुझे इतना कोई कैमरा एंगल के बारे में, क्योंकि मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में. सो सारे लोग जितने भी कैरेक्टर जितने भी को स्टार्स हैं सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में. जैसे जया मैम मुझे कल भी बता रही थी कि यू नो कुछ सीन था हमारा ऐसे, तो आके बेटा देख तुझे ऐसे करना. समझ गए. देखिए भाई हमारे शो की हीरोइनी है ये, है ना, हमारी छठी मैया की बिटिया है ये, है ना. तो अब बिटिया को तो करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना, उनको उठाना पड़ेगा, तब जाके हम सारे एक साथ उठेंगे. अब तो बस ये है कि तू सीख ले बच्चा जल्दी से, है ना. यू डूइंग अ गुड जॉब, शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बस तराशना है उस हीरे को थोड़ा सही से, हो जाएगा. या ये भी बहुत सिखाती है. और देवोलिना मैम तो बहुत ही सिखाती है, जब हम लोग सीन भी कर रहे होते हैं हमारा सीन भी बोले तो बेटा तू ऐसे कर तो तू और अच्छे से दिख पाएगी, या मतलब ऐसे कर तो और अच्छे. और इनके साथ जब सीन होता है तो सीन ना शॉर्ट जो आपके साथ लगता है तब भी आप मुझे, हाँ तो बोलो ना जल्दी बोल के खत्म करो, मेमोरी फुल हो रहा है उनका. शी इज एक्चुअली अ चाइल्ड, बच्ची ही है ये, हम सबका खिलौना है देखा जाए तो एक तरीके से ये. हाँ मुझे ये भी कैमरा एंगल के बारे में कि ऐसा करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा, ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा. तो या सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत या सपोर्टिव है बहुत. मेरी बेटी फिलहाल इतनी बड़ी नहीं है कि मैं टीवी देख सके. मैं सच बोलने जा रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा. मेरी बेटी ना सन नियो का जो टाइटल अभी एंथम बना है वो जब भी आता है ना तो वो एग्जैक्टली वो करती है. सच बता रहा हूँ, मतलब कि नहीं नहीं अभी तो इतना नॉलेज She's just 30 months old, तो अभी उतना नॉलेज नहीं है. बट या वो सन्नी ओ का जो एंथम आता है ना तो वो एंजॉय करती है.
तो मुझे लगता है कि सब कुछ दिया किया कराया इसी का, सो दिस इज ऑल। और ज़रूरी ये है कि प्रत्येक औरत जो अपना योगदान देती है अपने घर में पूरी दुनिया में, वो अपने योगदान को कहीं ना कहीं अक्नॉलेज भी तो करे, ये ज़रूरी होता है। आप जैसे हैं, आप लोग सब हैं, आप लोग बोलोगे कि हमने बस काम कर दिया है, लेकिन उस काम को अक्नॉलेजमेंट मिले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारी जो छठी मैया की बिटिया है ना, उस किरदार को अक्नॉलेजमेंट मिलता है हर बार जो करती है। हम जैसे किरदार उसमें उसको नीचा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सपोर्टर्स हैं वो उसको अक्नॉलेजमेंट करवाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी की भी लाइफ के लिए, किसी को अच्छा फील करने के लिए। जैसे सो दैट्स अनदर मैसेज दैट छठी मैया की बिटिया हैज़ फॉर द होल ऑडियंस। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.